बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ डेजर्ट जो झटपट बनने वाला है, और आप देखेंगे तो आप भी बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़े की कंसिस्टेंसी और इतना जायके वाला, मुंह में डालते ही घुलने वाला। ये देखें जी, मज़े का डेजर्ट। आप भी बनाएं अपने अपनों के लिए और सबको खुश कर दें। बहुत मज़े का डेजर्ट बना है ये, आप भी बनाएं और एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे डेजर्ट, और उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 लीटर मैंने दूध ले लिया, कस्टर्ड 4 चम्मच, मिल्क पाउडर 4 चम्मच, चीनी 4 टेबल स्पून, और ये इलायची पाउडर, और ये कुछ पिस्ते बादाम कटे हुए गार्निशिंग के लिए, और ये 4 स्लाइस मैंने एजिस काट के, तो ये ब्रेड ले लिए। इसके लिए हम पैन रखेंगे ऊपर, एक लीटर दूध डालेंगे इसमें, दूध को बॉयल आने तक हम पकाएंगे। दूध को बॉयल आ चुका है, इसको हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छी तरह, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। यहाँ से इसको हिला हिला के अच्छी तरह पका देंगे। ये कस्टर्ड को मैंने थोड़ा सा पानी लेके उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ताकि इसमें लम्स ना बने, और ये मिल्क पाउडर जो है ये भी हम इसके बीच में मिक्स कर देंगे। ताकि गर्म दूध में डालें तो लम्स ना बने। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दो से तीन मिनट के लिए इसको अच्छी तरह पकाएंगे। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम ये मिक्स करते जाएंगे और साथ हिलाते जाएंगे। एक तो इसका कलर अच्छा हो जाएगा, और साथ साथ ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये कितनी जल्दी से गाढ़ा हो गया। साथ में इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे।
दो से तीन मिनट के लिए इसको पकाएंगे। झटपट बनने वाला ये डेज़र्ट है, बहुत मज़े का बनता है, आप भी बनाएं, एंजॉय करें, बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये जो डबल रोटी के स्लाइस मैंने लिए थे उसको मैंने हाथ के साथ चूरा कर दिए, अब वो भी इसके बीच में आस्ते आस्ते डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे चीनी, 3 से 4 टेबलस्पून। ये जी डेजर्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। डेजर्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको गार्निशिंग करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अभी इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और फिर आपको फाइनल टच दिखाएंगे। ये ले जी, मज़ेदार डेजर्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी कैसी, कितनी मज़े की है। आप भी बनाएं, मेरी रेसिपी को फॉलो करें और एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।